है गाइस, हम देखेंगे अभी कुछ लॉजिक प्रो के बारे में, कुछ ट्यूटोरियल्स हम देखेंगे इसके बारे में, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, एडिट किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा ऑडियो लेट आ रहा है, मैंने कम कर दिया इसका। ओके, ये मैंने एक आपको, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऑडियो ट्रैक कैसे लेना है। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, और न्यू ट्रैक के लिए मैं ये प्लस पे क्लिक करने से ये न्यू ट्रैक आ जाएगा आपका। ऐसे ऑडियो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट जो भी चाहिए आपको, तो मैं ऑडियो ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करना है, तो इस पे डबल क्लिक करूँगा मैं, और इस पे एक नाम देते हैं वॉइस ओवर, एंटर। अभी हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं। आर क्लिक, आर देखो, आर क्लिक करते बोलो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और उसके साथ साथ ये मेट्रोनम भी स्टार्ट हुआ है। मेट्रोनम की सेटिंग हम पहले देख लेते हैं। मेट्रोनम ये यहाँ पे राइट में ये सिंबल दिया हुआ है मेट्रोनम का, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो यहाँ ऑप्शंस आ जाते हैं। क्लिक वाइल रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्ड करते वक्त का क्लिक बजेगा, क्लिक वाइल प्लेइंग प्लेइंग करते वक्त, यहाँ दोनों क्लिक करके रखा हूँ मैं। तो जैसे अभी मैं इसको बजाता हूँ, देखो आर क्लिक करते बोलो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखो इसके साथ साथ मेरा वॉइस ओवर के साथ साथ भी एक क्लिक बज रहा है। इसको अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसकी सेटिंग अगर आपको मान लो प्लेइंग के वक्त क्लिक नहीं चाहिए तो इसको क्लिक कर दो, या फिर रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं चाहिए इसको क्लिक कर दो, सिंपल मोड पे रख लो, है ना। इस टाइप से इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। अभी मुझको यहाँ प्लेइंग के वक्त नहीं चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया। अभी मेरा वॉइस ओवर इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। देखो आर क्लिक करते बोलो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और उसके साथ साथ ये मेट्रोनम भी स्टार्ट हुआ है। ओके गाइस, अभी देखते हैं हम कि अभी ये मेरा वॉइस ओवर है, इसको मैं डिलीट करना है, तो ये डिलीट बटन दबा दूंगा। ये पूछेगा आपको डिलीट करना है नहीं। कमांड जेड, फिर से अंडू हो गया। ठीक है, अभी इसको नाम चेंज करना है। मान लो यहाँ वॉइस ओवर दिया है, मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। एक क्यू नाम दे दिया मैंने, एक एंटर। तो यहाँ जो हमने पहले वॉइस ओवर नाम दिया था, जब रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे भी देखिए यहाँ वॉइस ओवर लिख के आया है ना। अभी हमने नाम चेंज कर दिया, इसको क्यू कर दिए, तो अब इसको भी हमें चेंज करना है। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और रीजन में जाएंगे, रीजन में ये डबल क्लिक किए, सेलेक्ट किए, इसको भी सेम नाम क्यू दे देते हैं, एंटर। देखिए यहाँ क्यू लिख के आया,
और कुछ नाम देना है तो यहाँ फिर से क्लिक, फिर से राइट टाइप करेंगे, इसको कम ज़्यादा इससे ये इससे कर सकते हैं हम। ठीक है, अभी मान लो मुझको इसको कट करना है आधे में से, तो मैं यहाँ जाऊँगा सीज़र, है ना, कमांड प्रेस करूँगा और ये जहाँ से मुझे कट करना है वो कट हो जाएगा। और एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपको कि मान लो मुझे हर बार पर कट करना है, मीन्स बार 2, 3, 4, 5, 6 है, ये सब में कट चाहिए मुझे, तो कमांड ये बार बार क्लिक ना करते हुए, ये बार बार इतनी लंबी प्रोसेस ना करते हुए, इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ऑप्शन कमांड और एक क्लिक, क्या किया, ऑप्शन कमांड क्लिक, ये बार वाइज कट हो गया। अगर मैं बीट वाइज आफ्टर 2 बीट्स के बाद मुझे कट चाहिए 3rd बीट पर, तो ये सभी आफ्टर 2 बीट्स के बाद ये कट हो जाएगा, आफ्टर 1 बीट, सॉरी सेलेक्ट आफ्टर 1 बीट, तो ये एक लूप टाइप का कट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, ऑप्शन कमांड क्लिक, आप इसको फिर जो भी ये टुकड़े हो गए इसके इसको कर सकते, जैसे भी जॉइंट करना है। और एक कमांड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मॉर्क्यू, बड़ी काम की चीज़ है, एडिटिंग में बहुत ही काम की चीज़ है। कमांड प्रेस सेलेक्ट, इतना पोर्शन मुझे कट करना है, कमांड छोड़ दिया मैंने, क्लिक डिलीट, कमांड। अच्छा दोस्तों, ये कमांड क्यों प्रेस करना है, क्योंकि ये सेकंड इसमें हमने यहाँ 2 बार ये दिए हुए हैं, एक में पॉइंट्स रखा हुआ है इसमें, ये मार्क ये सेकंड में है, इसलिए मुझे कमांड प्रेस करना है, कमांड प्रेस करूँगा तभी ये आएगा सिंबल। अगर ये फर्स्ट में अगर मैं इसको सेलेक्ट करता था तो ये ऑलरेडी आके तैयार रहता, पर ये कट नहीं होगा। अभी कमांड छोड़ दिया मैंने, अभी कट, ठीक, इसी मेनू से हम सीजर का भी काम कर सकते हैं, कट करने का काम, जैसे कमांड डबल क्लिक, कमांड डबल क्लिक, डबल क्लिक, कमांड डबल क्लिक, जहाँ से भी आपको कट करना है, तो बार बार सीजर पे ना जाते ही एक ही, जेड जेड, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कट कैसे करते हैं और कैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी शेयर करूँगा, चलो आगे और कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं हम। मान लो इसको हमें एक लूप की तरह बनाना है, जस्ट ए वॉइस ओवर है, बट ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ लूप कैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ से मैंने कट कर दिया और इसको लूप बनाना है, तो कमांड आर, जितने बार प्रेस करोगे ये लूप बनते जाएगा। नम बीट स्टार्ट हुआ है, सेलेक्ट कमांड आर, नम बीट स्टार्ट हुआ है,
भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कमांड आर से ये लूप बनते जाएगा, हम उसको रिपीट कर सकते हैं। हाँ, अभी ये यहाँ से कट हुआ है और हमें इसको जॉइंट करना है। मान लो दो ट्रैक्स है और उसको हमने दो अलग अलग ट्रैक्स है और उसको जॉइंट करना है एक, तो वो कैसे करेगा? उसका शॉर्टकट रहेगा जे, जे प्रेस कीजिए, यहाँ लिख के आएगा, इसको क्रिएट कीजिए, ये जॉइंट हो गया। फिर से करते हैं, सेलेक्ट जे क्रिएट, जॉइंट हो गया। ठीक है, अभी हम एक और कट का शॉर्टकट देखते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। ये यहाँ, ये यहाँ देख रहे हैं, ये येलो लाइन दिख रही है, ये इसको कहेंगे हम साइकिल। ये यहाँ से भी ऑपरेट किया जाता है, इस पर क्लिक करो, साइकिल आ जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट रहेगा आपका सी, सी साइकिल सी, ठीक है। इसको इस तरह बार वाइज हम इसको इसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ तक चाहिए हमें, यहाँ तक मान लो, तो ये साइकिल बस आर रहेगा। क्लिक करते बोलो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, देखो आर क्लिक करते बोलो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये एक साइकिल बन गया। ये अगर इसको निकाल दोगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू बजते रहेगा। मान लीजिए अभी हम कट का और एक ऑप्शन देखने वाले थे, मान लीजिए कि हमको यहाँ इसका आधा, जहाँ से ये बार थ्री से हमें कट करना है, ठीक है। एक तो ये रहेगा ऑप्शन वाला जो मैंने पहले बताया था ये, और दूसरा रहेगा हमको साइकिल सेलेक्ट करना है, और नहीं भी किए फिर भी यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल कमांड टी, इतना पोर्शन हमारा कट हो गया। जेड, फिर से अगर मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ, ठीक है, अगर ये ऑन है ऑफ है जो भी है, पर ये इतना आपका सिलेक्ट है, तो इसको कंट्रोल कमांड टी वहाँ से कट हो जाएगा। मान लीजिए आपके बहुत सारे काफ़ी ट्रैक्स है, मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ, इसको जॉइन कर देते जे क्रिएट जॉइन। अब इसको, अब ये ट्रैक कैसे बना, इसका डुप्लीकेट बनाया मैंने कमांड डी से, कमांड डी करो तो ये डुप्लीकेट बनते जाएगा, ये एक ऑप्शन है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कैसे करेंगे, ऑप्शन और इसको ड्रैग करेंगे, फिर से ऑप्शन ये ड्रैग, ऑप्शन ड्रैग, ठीक है। ये आपके इतने 8 ट्रैक बन गए। अभी हम जब भी सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं या फिर अरेंज करते हैं जो भी है, तो उसमें काफ़ी सारे ट्रैक्स होते हैं, और मान लो हमको वो सभी ट्रैक्स बीच में से कट करना है, या एक मार्कर से दूसरे मार्कर तक यहाँ तक इतना पोर्शन हमको कट करना है पूरे एक साथ, तो इसका ये दे देंगे पोजीशन साइकिल बार 1 to 5, यहाँ से मुझे कट करना है, और कंट्रोल कमांड टी, कट हो गया, इसको निकाल सकते हैं हम, और यहाँ से भी करता हूँ मैं सेलेक्ट कंट्रोल कमांड टी, ठीक है। अभी हम देखते हैं इससे मार्क्यू से होता है क्या, ये इससे भी हो जाता है, इससे भी, पर पर्टिकुलर ये हम जो पोजीशन देंगे इसकी यहाँ से जो भी है, तो ये वही तक कट करेगा कंट्रोल कमांड टी, कंट्रोल कमांड टी ऐसा। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है कट करने के लिए एडिटिंग के वक्त, जो भी सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं इससे।
साइकिल के लिए सी, ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको, अब ये ट्रैक हमको डिलीट करना है, डिलीट करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाऊंगा मैं, ये पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट। ओके, तो मुझे यहाँ से मिस बार 3 से इतना पोर्शन मुझे आगे लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, कंट्रोल कमांड जेड 2 3। जितना हमने साइकिल सेलेक्ट किया है, जितना पोर्शन, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। देखिए 3 बार का किया था मैंने, तो 3 3 बार आगे, जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। फिर से अभी मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ, 2 बार का, कंट्रोल कमांड प्लस जेड 2 2 बार आगे बढ़ेगा। ठीक है, अंडू कर देता हूँ। अभी और एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है मेरे पास। मान लीजिए यहाँ से मुझे ये इतना कट करना है, इतना पोर्शन बार 3 to 4 ये कट करके मुझे इसको और इसको जॉइंट करना है, ये और ये जॉइंट करना है, थोड़ा ये और ये जॉइंट करना है, और ये कट करना है बीच में से, और ये इनको ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाना चाहिए इसके साथ ये। तो उसके लिए मैं इतना सिलेक्ट किया जो हमें कट करना है बीच का पार्ट, उसके लिए रहेगा कमांड, सॉरी कंट्रोल कमांड और एक्स। फिर से करते हैं, कंट्रोल कमांड एक्स। ठीक है, ये देखिए, तो बोलो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और उसके साथ साथ ये मेट्रोनम भी स्टार्ट हुआ है। इसकी लॉन्ग प्रोसेस, जैसे ये सेलेक्ट कर दिए और फिर डिलीट किए और फिर इसको मिलाओ, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस, शॉर्टकट प्रोसेस ये बेटर है। इसको इतना सेलेक्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल कमांड एक्स। ठीक है जी, काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट है ये। अभी मान लीजिए इसको मुझे 2 बार ये कट करना है या कम करना है, इसके लिए भी एक तो कट करके भी कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट ऑप्शन और ये जो 4 एरो दिए हुए राइट हैंड में कीबोर्ड में, हमारे 4 एरो दिए रहते हैं, उसका लेफ्ट एरो इसको प्रेस करते 1 1 बार ये कम करते जाएगा, बढ़ाना है तो 1 1 बार ये बढ़ाते भी जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं अंडू, तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन रहेगा आपके लिए एडिटिंग करते वक्त, जो भी आप सॉन्ग्स या फिर जो भी म्यूज़िक आप एडिट करेंगे, तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको कट जॉइंट्स, ट्रैक्स को जॉइंट करना, कट करना, ये काफ़ी शॉर्टकट आपको मैंने बताया है। इसको फेड इन फेड आउट, यहाँ से भी आप जाके, ये फेड टूल है, इसको फेड इन कमांड प्रेस करके फेड आउट, फेड इन, इसको भी आप जैसे कहो दे सकते हो वैसे कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ ट्यूटोरियल्स लॉजिक प्रो एक्स में, कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपके सामने आपको बताए हैं,
और भी बहुत कुछ मैं अभी लेके आऊँगा आपके सामने, उसके लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।